आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे LL1 ग्रामर आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक था, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर किया था, उसी क्वेश्चन को अब हम जो आइडेंटिफिकेशन के रूल्स हैं, LL1 कैसे आइडेंटिफाइड किया जा सकता है बिना प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल के, उस टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, ये हमारे पास एक ग्रामर थी। इस पर्टिकुलर ग्रामर में हमने फर्स्ट एंड फॉलो कंप्यूट किया था। फर्स्ट एंड फॉलो की एंट्री हमने इस प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल पर कर दी थी। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल पर हमने आइडेंटिफाई ये किया कि इस पर्टिकुलर बॉक्स पर हमें मल्टीपल एंट्रीज मिल गई थी। अगर मल्टीपल एंट्रीज मिल जाती हैं तो हमको जो कंक्लूजन मिलता है वो ये मिलता है कि दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज नॉट कम्स अंडर द LL1। तो चलिए सबसे पहले हम वो रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके बिना प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाकर भी LL1 ग्रामर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो रूल है ये इस तरह से है। रूल का दो सेगमेंट बना के रखा है। पहला सेगमेंट जो है वो विथ नल है और जो दूसरा सेगमेंट है वो विदाउट नल है। तो ये दो सेगमेंट हमारे पास रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जो है वो ये है कि हमारे पास एक ग्रामर दी है। ये ग्रामर जो है वो रिप्रेजेंट होती है ए से, कैपिटल ए, जहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है वो अल्फा वन है। पहला प्रोडक्शन अल्फा वन है, दूसरा प्रोडक्शन अल्फा टू है, तीसरा प्रोडक्शन अल्फा थ्री है, और कंटिन्यूसली जितने भी प्रोडक्शन आएंगे उसको हम इंक्लूड करते जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये विथ नल, विथ नल यानी ये जो भी सेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कहीं ना कहीं नल जरूर प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालिए, यानी ये जो अल्फा रहेगा आप इसका फर्स्ट निकालिए, फिर इंटरसेक्शन, इसके बाद जो है आपको फॉलो ऑफ जो नॉन टर्मिनल है यानी जो प्रोडक्शन यूज करेगा उसका आपको फॉलो लिखना है। फॉलो ऑफ ए निकाला, ठीक है, और ये जो है ये फाइव होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब जो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालिए, इस प्रोडक्शन का फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालिए। फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालने के बाद आपको इस नॉन टर्मिनल का फॉलो निकालना है। इनका जो भी इंग्रेडिएंट्स आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, कंप्यूटेड वैल्यू, उसमें कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, यानी इट इज इक्विवेलेंट टू फाइव। कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, इट इज इक्विवेलेंट टू फाइव। एक एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मान के चलिए कि आपने फर्स्ट ऑफ अल्फा जो निकाला, फर्स्ट ऑफ अल्फा आपने निकाला है, मान के चलिए कि दिस इज योर फर्स्ट ऑफ अल्फा, क्लियर, फर्स्ट ऑफ अल्फा, एंड इंटरसेक्शन लेके चलते हैं, फर्स्ट ऑफ जो ए, फॉलो ऑफ ए जो निकाला वो आपने निकाला बी ए। तो अब इन दोनों में ये देखिए आप कि यहाँ पर आपको ए मिला और यहाँ पर भी आपको ए मिल गया, यानी ये जो है ये इक्विवेलेंट टू फाइव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ, क्लियर। तो ये जो है ये यूनिक रहेगा, ये जो है ये यूनिक रहेगा, क्लियर। अगर ये फाइव होता है तभी हम इसको क्या कहेंगे कि ये रूल नंबर वन सेटिस्फाई है। एक बार फिर से इसको जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। पहले आपको फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालना है, इंटरसेक्शन यूज करना है, फॉलो निकालना है, ये जो भी सेट ऑफ आउटपुट निकलेगा वो, इंटरसेक्शन सेट ऑफ आउटपुट निकलेगा वो, इट इज इक्विवेलेंट टू फाइव, यानी कॉमन नहीं आना चाहिए, क्लियर। इसका जो दूसरा रूल है इसी को एक्सपांड किया गया है, वो ऐसा एक्सपांड किया गया है कि आप फर्स्ट ऑफ ये जो है अल्फा टू, यानी अब इसकी बारी आ रही है, अल्फा टू निकालेंगे, सिमिलरली यहां पर फॉलो ऑफ जो नॉन टर्मिनल है वो निकालेंगे, ये भी फाइव के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ग्रामर LL1 होगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामर LL1 नहीं होगी, क्लियर। सो गाइज, अल्फा थ्री है, यहाँ अल्फा थ्री रखेंगे, अगर अल्फा फोर होता तो अल्फा फोर रखेंगे, फॉलो बाइड आपको ये काम करना है, क्लियर। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास अगर कोई ग्रामर है, यह एक ग्रामर है जो ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, क्लियर। तो यहाँ ये जो है ये एज अ इंडिकेट होगा दिस ए के, ये जो प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्शन है ये इंडिकेट होगा अल्फा के और ये इंडिकेट होगा अल्फा टू के। तो ये हुआ हमारा विथ नल। ये किस बारे में बात करी हमने, अगर हमारे ग्रामर में विथ नल है। अब दूसरा जो सेट सेगमेंट है इसका वो ये कहता है कि अगर आपके पास ग्रामर ऐसी दे दी जिसमें नल नहीं है तो उसके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन है LL1 ग्रामर आइडेंटिफाई करने के लिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर सिमिलर ग्रामर को लेकर चल रहे हैं, बट इन दिस टाइम देयर इज नो नल, क्लियर। प्रीवियस केस नल के साथ, दूसरा केस बिना नल के साथ। तो यहां पे क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ
अल्फा निकालेंगे, क्लियर। इंटरसेक्शन यानी दोनों में इंटरसेक्शन पर ही काम करना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ अल्फा वन निकाला, यहाँ पर अल्फा टू निकालेंगे और चेक करेंगे फाइव, क्लियर। इसी को आगे बढ़ाते चलेंगे, अब अल्फा टू यहाँ आ जाएगा, क्लियर। फर्स्ट ऑफ अल्फा टू आगे बढ़ेंगे, एड ऑन हो जाएगा नया, फर्स्ट ऑफ अल्फा थ्री इज नॉट इक्विवेलेंट टू फाइव, ठीक है गाइस। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो भी रहेगा एक्सपांड करेंगे, और एट द लास्ट अगर मान के चलिए ये लास्ट आपका प्रोडक्शन इस ग्रामर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो इसको कंक्लूड कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा थ्री इंटरसेक्शन ऑफ ये पहला वाला सिंबल, फर्स्ट ऑफ अल्फा, ये फाइव नहीं होना चाहिए गाइस। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमने दो कैटेगरी में सेगमेंट कर लिया। पहला जो सेगमेंटेशन था हमारा ये था विदाउट विथ नल के, और जो दूसरा सेगमेंटेशन है ये है विदाउट नल, यानी इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की और इस रूल से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं क्या ये ग्रामर LL1 है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करें इस सेट ऑफ प्रोडक्शन में क्या नल है नल नहीं है, यानी हमको ये वाला सेगमेंट यूज करना है बी, ओके। चेक करते हैं, यहां मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। एस टेंस टू क्या दिया है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ अल्फा वन, फर्स्ट ऑफ अल्फा वन यानी दिस वन, इसका फर्स्ट क्या निकाला था हमने, इसका जो फर्स्ट निकाला था ये निकाला था आई, फर्स्ट ऑफ अल्फा वन है ना, यानी ये सेगमेंट इसका फर्स्ट क्या निकाला था, आई निकाला था। तो ये आ गया हमारा आई, इंटरसेक्शन लगाएंगे, चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ अल्फा टू क्या निकाला है, ए, ओके ए निकाला, चेक करेंगे क्या ये बराबर है फाई के, यहाँ आई है यहाँ ए है, दोनों जो है बराबर, यानी कॉमन फैक्टर नहीं मिला, तो ये तो ओके है, क्लियर, एक हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ नल के साथ है। अच्छा गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप एक सेट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ निकाल कर ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपकी ग्रामर LL1 नहीं है या है। जो भी सेट ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं उस पर्टिकुलर ग्रामर में आपको सब के लिए चेक करना है, समझ गए, आपको सब के लिए चेक करना है। जैसे अभी हमने ये सेट ऑफ प्रोडक्शन निकाला तो यहाँ हमको कॉमन फैक्टर तो मिला नहीं, अब कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो अपन ये नहीं कहेंगे कि ये LL1 ग्रामर है या LL1 ग्रामर नहीं है, हमें रिमेनिंग रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यू शुड चेक इट, क्लियर। सो नाउ कम फॉल डाउन इनटू दिस वन एस डैश। अच्छा यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ रूल अप्लाई होगा ए वाला, ए में क्या दिया है नल के साथ, तो चेक कर लेते हैं। एस डैश इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ अल्फा, फर्स्ट ऑफ एस डैश, फर्स्ट ऑफ एस डैश क्या मिला था, फर्स्ट ऑफ एस डैश हमको मिला है ई, क्लियर, फर्स्ट ऑफ एस डैश मिला है ई, और ई के साथ जो है वो है नल, ये कर दिया कंक्लूड, ओके। इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ ए, अब ए हमारा यहाँ क्या था, ए जो है ये है हमारा एस डैश, तो इसका फॉलो देखते हैं क्या है, फॉलो ऑफ दिस वन, दिस इज दिस वन, तो फॉलो चेक कर लेते हैं, तो फॉलो हमको मिला ई एंड डॉलर। अब देखिए ये बराबर नहीं है फाई के, क्यों, क्योंकि यहाँ ई है और यहाँ पर भी ई है, यानी इंटरसेक्शन कॉमन मिल गया। अब कॉमन मिल गया है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये निकला कि भाई कॉमन फैक्टर मिल गया, यानी ये रूल आपका फेल हो गया, ये रूल फेल हो गया, तो ये ग्रामर नॉट LL1 होगा, जो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। सो दिस इज द वन थिंग, तो यहाँ से तो प्रूफ हुआ, यहाँ से बोलता है कि LL1 है, यहाँ से बोलता है LL1 नहीं है, तो ये हो गया फाइनल। आगे चलते हैं, सी टेंस टू सी भी देख लेते हैं इसको, और फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं। विदाउट नल है, यानी कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर बी। रूल नंबर बी में क्या कहता है, रूल नंबर बी में ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ क्या निकालेंगे आप, अल्फा, फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ अल्फा टू तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा, आंसर। अब जो इसका फाइनल आंसर होगा वो ये होगा कि अगर इन सभी रूलों में से आपको अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता है, यानी कि मल्टीपल एंट्रीज होगी, अगर मल्टीपल एंट्रीज है कॉमन फैक्टर मिला, तो ग्रामर आपकी LL1 नहीं होगी। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, ये एल्गोरिथम कैसे अप्लाई होता है किसी ग्रामर को LL1 प्रूफ करने के लिए बिना प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल के। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।